दोस्तों मेरे घर पे जो ये आप टीवी देख रहे हो ना, ये नॉर्मल से एक टेबल पे रख के हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन इस टेबल पे ना लुक बिल्कुल भी रूम का बिल्कुल खराब हो जा रहा था, लिविंग रूम का। तो मैंने फिर डिसाइड किया ना कि लिविंग रूम पे ना एक टीवी यूनिट बनवाते हैं प्रॉपर। बट जब मैंने कोटेशन लिया ना, तो मुझे पता चला कि आराम से 60,000 रुपये तक तो खर्च होने ही वाले हैं। बेसिक डिज़ाइन भी बनवाता हूँ क्योंकि उस पर बोर्ड लगेगा, लेबर चार्जेस लगने वाले हैं, ग्लू लगेगा, पिन लगेगा, सनमाइका शीट लगेगा, इस तरीके के बहुत सारे खर्च जुड़ जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि लिविंग रूम के लुक को तो एनहांस करना है, तो एक काम करते हैं कि ऑनलाइन कोई टीवी यूनिट परचेज करते हैं। तो ऑनलाइन मैं काफ़ी मेहनत से सर्च कर रहा था टीवी यूनिट्स, एंड मुझे ना Amazon Flipkart दोनों के कंपैरिजन में Flipkart पर एक बहुत ही अफोर्डेबल बजट रेंज एक टीवी यूनिट देखने को मिला। Flipkart परफेक्ट होम्स वेबस्टर टीवी यूनिट, और ये टीवी यूनिट जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये मैं काफ़ी महीने से देख रहा था। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर रिसर्च किया, यूट्यूब पे सारे वीडियोस देखे, सारे रिव्यूज़ पढ़े मैंने, और काफ़ी मिक्स्ड रिव्यू था। कुछ लोगों ने अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा भी कहा था। तो मैंने सोचा यार चलो फाइनली ले ही लेते हैं। 5 जुलाई 2024 को मैंने इसे ऑर्डर किया, तो 11,270 रुपये इसका प्राइस पड़ा था। रेगुलर प्राइस इसका 13,000 रुपये के अराउंड रहता है, आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर। अलग अलग कलर भी आते हैं, लेकिन मोस्टली सब इसका आउट ऑफ स्टॉक रहता है। ये आलमंड वॉलनट कलर मैंने लिया है, एक चॉकलेट वेंज कलर आता है ब्राउन कलर की तरह, डीप ब्राउन, बट वो ना आउट ऑफ स्टॉक था, बट मुझे यही पसंद था तो मैंने इसको फाइनली परचेज कर लिया। और 5 जुलाई 2024 को मैंने इसे ऑर्डर किया, 10 जुलाई 2024 को मुझे ये डिलीवर हो गया फ्लिपकार्ट के थ्रू 5 दिन के अंदर। और जिस कंडीशन में मुझे ये डिलीवर हुआ ना, मुझे तो देख करके बिल्कुल शॉक लगा यार कि क्या करूं, इसको कैंसिल कर दूं, घुमा दूं, रिटर्न कर दूं, क्योंकि इस पे ना ओपन बॉक्स डिलीवरी शायद नहीं था, या था भी तो मैंने उनको कहा तो वो नहीं करना चाह रहे थे कि इस पे ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो पूरा बॉक्स ना बारिश के पानी से ना पूरा सड़ चुका था। तो मैंने उनको थोड़ा बहुत बोला तो वो मान गए, और उन्होंने ना फिर मेरे सामने ही बॉक्स को ओपन करके दिखाया। तो लकीली कोई भी बोर्ड्स ना खराब नहीं हुआ था पानी भीगने के बाद भी, मुझे लगता है सिर्फ ऊपर ऊपर का बोर्ड भीगा होगा ट्रांसपोर्ट पे, बारिश का सीजन चल रहा है, तो अच्छा था कि हमारा कोई भी अंदर का पार्ट्स डैमेज नहीं हुआ था, ना बोर्ड ना कोई इसके एक्सेसरीज। देन फिर इंस्टॉलेशन के लिए उन्होंने कहा ना कि आपका 11-12 तारीख को ही हो जाएगा, बट कोई नहीं आया इंस्टॉलेशन के लिए। 10 के बाद 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, फाइनली 16 तारीख को जाकर के ये इंस्टॉल हुआ। हर दिन को एक नया बंदा असाइन होता था जीव्स की तरफ से, लेकिन फिर ना कैंसिल हो जाता, शाम तक वेट करता था बट कोई नहीं आता था। मैंने बहुत कंप्लेन डाले फ्लिपकार्ट पर, बट वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, उनका आपको पता ही है कि सर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ आज शाम तक रुक जाइए, आज 6 बजे तक का डेडलाइन है, सर आज रुक जाइए, बट कोई नहीं आ रहा था। बट मैं अभी ने सोचा कि छोड़ो यार, जब आएगा आएगा, क्या करूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंसी था, बट ना ये नहीं हो पाया था जल्दी इंस्टॉल। तो फिर 16 तारीख को ये जा करके इंस्टॉल हुआ। एक एग्जीक्यूटिव आया था अकेले, और उन्होंने इसे इंस्टॉल किया, अपने सारे टूल्स लेकर के आए थे। इसके साथ आपको हर चीज मिलता है, आपको कुछ भी मार्केट से परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो उनका इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, रेंच वेंच जो भी रहता है वो लेकर के आए हुए थे। तो उन्होंने इसे इंस्टॉल किया, और अकेले में उन्हें इंस्टॉल करने में ना 1.5 से 2 घंटे के अराउंड टाइम लगा था। काफी ज्यादा स्किल्ड वो थे, इतना मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही परफेक्शन से उन्होंने अपना काम किया, हमारे हर क्वेश्चंस का आंसर किया। तो फाइनली ये इंस्टॉल हो गया, और इंस्टॉल होने के बाद ना ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, देख सकते हो। अब इसके साइज के बारे में बताओ तो डायमेंशन अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका आपको ना ग्राउंड से हाइट ज्यादा नहीं मिलता है। तो मैंने उनको कहा कि मैंने रिव्यूज पे देखा है बहुत लोगों ने एक्स्ट्रा लेग्स लगा रखा है, 1.5 इंच का 2 इंच का इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि सर ये लगाओगे तो नीचे वाला बोर्ड टूट सकता है अगर वह घिसकाते हो आप, तो इसलिए इसको मत ही लगाओ। तो टीवी यूनिट यहाँ पे आप देख सकते हो, आलमंड वॉलनट कलर इसका नेम है, और बहुत ही सही यहाँ पे लुक आ रहा है। ऊपर पे आपको यहाँ पे 3 बड़े बड़े शेल्फ मिल जाते हैं, जिस पे आप यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हो, स्पीकर्स रख सकते हो। दोनों साइड्स पे आपको यहाँ पे 2 कवर्ड कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं ग्लास पैनल के साथ, और अंदर आपको यहाँ पे शेल्फ देखने को मिल जाएगा जिस पे आप कुछ डेकोरेटिव आइटम एंड कुछ भी चीज़ें रख सकते हो। अब ये शेल्फ ना आप आराम से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको लेवलर्स मिलते हैं जिसको आप ऊपर नीचे पिन को डाल करके यहाँ पे हर कंपार्टमेंट के साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, तो अपने हिसाब से आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। नीचे आपको यहाँ पे 2 बड़े बड़े यहाँ पे कंपार्टमेंट मिल जाएंगे दोनों साइड्स पर, जिस पे आप कुछ यहाँ पे वास हो गया, कोई यहाँ पे मूर्ति वूर्ति हो गया, ये सारे चीज़ें आप रख सकते हो। उसके नीचे आपको एक बड़ा सा यहाँ पे बोर्ड मिलता है, जिस पे आप टीवी को यहाँ पे नीचे भी रख के यूज कर सकते हो, या फिर आप टीवी को वॉल माउंट कर सकते हो। अब इस पर मैंने टीवी को वॉल माउंट कर रखा है, मेरा जो टीवी है ये 32 इंच का है, इसलिए इस पे बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा है देखने में। तो अभी तो नहीं लेने वाला हूं, लेकिन अगर शायद पैसे आ जाएंगे ना तो मैं एक 50 इंच टीवी इस पे लगाने वाला हूं। एंड हां, इस पे आपका 55 इंचेस तक का टीवी लग सकता है। अब ये इंजीनियर्ड वुड का बना हुआ है, यानी कि जो ग्रास वुड होता है ना उसका ये बना हुआ है। फिर नीचे आपको टोटल 6 कंपार्टमेंट मिल जाएंगे, नीचे आपको
दो जो यहाँ पे ओपन कंपार्टमेंट मिलता है, इस पर आप सेटअप बॉक्स, डीवीडी प्लेयर्स, ये सारी चीज़ें रख सकते हो। और बैक साइड पे दो बड़े बड़े होल मिलते हैं सारे केबल मैनेजमेंट के लिए। तो ये इसका डिज़ाइन ओवरऑल मुझे बहुत सही लगा। अब ये सेम डिज़ाइन का टीवी यूनिट मैंने ऑफलाइन मार्केट पे पूछा था, तो ऑफलाइन मार्केट पे ना 18,500 रुपये उन्होंने कहा था और ऑनलाइन मुझे 11,270 रुपये का मिल गया था। अब ये वीडियो कुछ दिन पहले आ जाता लेकिन अच्छा है मैंने नहीं बनाया था, अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे ये वीडियो आ रहा है। अगर आप भी ये टीवी यूनिट ऑनलाइन देख रहे थे कि कौन सा वाला लेना सही रहेगा, और अगर आपको मेरा ये टीवी यूनिट पसंद आया है ना, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे सेल प्राइसेस रिवील हो गए हैं। अभी इसका प्राइस ड्रॉप हो चुका है और HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे परचेस करने के लिए और यहाँ पे कुछ सुपर कॉइन्स लगाओगे ना, तो आपको ये 9,500 रुपए तक आराम से मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के सेल के वजह से। तो काफी कम प्राइस में आपको मिल रहा है 9,500 रुपए में सिर्फ और सिर्फ, जहां मैंने इसको 11,270 रुपए के लिया है और बहुत लोगों ने इसको 13,000-14,000 रुपए में भी खरीद रखा है। ये टीवी यूनिट आपके लिविंग रूम के ना लुक को बिल्कुल एनहांस कर देने वाला है, काफी इजीली से आप मूव भी कर सकते हो। तो अगर आपको इसको बेडरूम से ले जाके हॉल पे रखना है, हॉल से ले जाके कहीं और ले जाना है, तो बस घसका के आप यहाँ वहाँ ले जा सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ आपको ये टीवी यूनिट कैसा लग रहा है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो इसके बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर किसे आप खरीद सकते हो। शेयर करना इस वीडियो को सबके साथ और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।